अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, शाजिया नूर आपसे मुखातिब है जी, किंगवे ग्रुप ऑफ स्कूल से। आप सब कैसे हैं? यकीनन ठीक ठाक होंगे जी। बच्चों आज हमारा राउंड फोर भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपने सारे राउंड्स को आपने रिवाइज़ करना है बहुत अच्छे तरीके से और एग्ज़ाम्स की भरपूर तैयारी करनी है। ओके प्यारे बच्चे, तो बढ़ते हैं जी आज के काम की तरफ। आज हमारा काम है उर्दू में स्टोरी नरेशन, कहानी लिखना यानी के। तो आज की कहानी है हमारी गरूर का सर नीचा। कहानी लिखने का असूल ये होता है बच्चों के कहानी हमेशा माजी में लिखी जाती है, ठीक है, ये गुजरी हुई बात होती है, ठीक। सो आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गरूर का सर नीचा। गरूर के हवाले से शैतान कहता है कि जिसके अंदर मैं ज़रा सा बराबर गरूर देख लूँ, मुझे उसमें उसके पास दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी ये चीज़ है गरूर। गरूर करने से दूसरे हर्ट होते हैं ना, दूसरों को अच्छा नहीं लगता, आप अपने आप को बड़ा शो करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई चीज़ अल्लाह ने दी है और दूसरे के पास नहीं है तो वो फिर बुरी बात होती है ना, अगले बंदे को फील होता है। सो ये देखिए जी कहानी आज की क्या है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। वो गहरे दोस्त थे, यानी कि वो दोस्त बहुत अच्छे थे। खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तारी पर बड़ा गरूर था, वो कछुए की सुस्त रफ्तारी का मजाक बनाता था। एक दिन कछुए ने तंग आकर खरगोश को दौड़ के मुकाबले के लिए कहा। दौड़ शुरू हुई, खरगोश दौड़ा और जल्द ही आंखों से दूर हो गया। ये कहानी बेटा आपने अभी देखी है कि इसका फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपने देखा कि दो गहरे दोस्त हैं एनिमल्स, और एक जो है वो बड़ा तेज़ रफ्तार है तो उसको तंग करता है अपने दूसरे दोस्त को, ठीक है। सो देखिए जी दौड़ कहाँ तक पहुँचती है। आधे रास्ते जाकर खरगोश ने सोचा कि कछुआ भी बहुत पीछे है, क्यों ना मैं आराम कर लूँ। वो सो गया। कछुआ मुसलसल दौड़ता रहा और आखिरकार सोए हुए खरगोश को भी पार कर गया। खरगोश जागा तो दौड़ शुरू की। खरगोश ने कछुए को पहले से वहाँ पाकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। देखें फिर ये बात नहीं ना पसंद आती है, लपाक को भी नहीं पसंद होती। तो नतीजा इसका क्या है? गरूर का सर नीचा। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।